तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सैलेश गोरखपुर वाला में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कोचिंग एंड ट्यूशन क्लासेस के बारे में। अगर आप टीचर हैं, अध्यापक हैं या फिर आपके कोई कोचिंग क्लासेस हैं, तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कोचिंग क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ला सकेंगे और अपनी कमाई को डबल कर सकेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शुरू में आपको मार्केटिंग करती है, शुरुआती मार्केटिंग आपको कैसे करना है, जिसके माध्यम से ज़्यादा बच्चे आपको मिले। और दूसरे नंबर पे बताऊंगा आप लोगों की कैसे आपको वैल्यू एडिशन करना है अपने बच्चों की कोचिंग क्लासेस में। वैल्यू एडिशन का मतलब वो कि आप अपने बच्चों को क्या अच्छे से अच्छा चीज़ दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बेहतर जानकारी मिल रही है, क्या उनको वैल्यू मिल रही है, क्या उनको आपके कोचिंग क्लासेस में सुविधा मिल रही है, जिसके माध्यम से वो आपकी कोचिंग क्लासेस में बने रहेंगे हमेशा के लिए। अगर आपकी कोचिंग क्लासेस में बहुत ही कम बच्चे हैं, तो आज से आप तैयार रहिए, क्योंकि आपके कोचिंग क्लासेस में आने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी अगर मिस हो गई तो आप कभी कोचिंग क्लासेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप टीचर हैं, अध्यापक हैं या फिर अपना कोचिंग क्लासेस खोलना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो पहले नंबर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे मार्केटिंग करनी है। शुरुआती दौर में अगर आप कोचिंग क्लासेस खोले हैं, तो आपको कैसे मार्केटिंग करनी है। पहले नंबर पर आपको पैम्पलेट बनाना होगा, जो दीवारों पर लगाए जाते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। आप देखते होंगे बहुत सारे दीवारों पर, खंभों पर जो छोटे छोटे पैम्पलेट्स होते हैं कागज़ टाइप के, उनको लगा करके लोग मार्केटिंग करते हैं। हम वही आप बनवाइए, उसमें आप पहले नंबर पर डलवाइए फ्री, उसमें आप पहले नंबर पर डलवा दीजिए फ्री कोचिंग क्लासेस। उसके बाद आपका जो भी लोकेशन है पता है, उसमें आप पूरा मेंशन करवा दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर लिखवाना है टर्म एंड कंडीशन। पहले नंबर पर आप वहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा कि सभी विद्यार्थी परीक्षा दें और अपना फीस माफ कराएं। उसके बाद आप नीचे एक लाइन बना करके लिख दीजिएगा 100 में से 100 लाने वाले को बिल्कुल मुफ्त कोचिंग क्लास, और 100 में से 90 नंबर लाने वाले को 40% ऑफ, और 100 में से 80 नंबर लाने वाले को 30% ऑफ, और 100 में से 70 नंबर लाने वाले को 20% ऑफ, और 100 में से 60 नंबर लाने वाले को 10% ऑफ दिया जाएगा। आप अपने कुछ आइडियाज़ के माध्यम से आप इसमें इधर उधर कर सकते हैं और अपने माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे आपको सटीक बैठता है। और दूसरे नंबर पे आपको हेडिंग डलवाना है 1 मंथ डेमो क्लासेस। आपके कोचिंग क्लासेस में जितने भी बच्चे आए हों, 1 आए हों, 2 आए हों, 3 आए हों, 5 आए हों, 7 आए हों, जितने भी बच्चे आए हों, उन लोगों से बोलना है कि आप लोगों को रोजाना एक न्यूज लेके आना है, जिससे उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगा रोज कुछ नया सीखने का, और कुछ नया रोज सीखते रहेंगे। रोजाना अगर एक एक लोगों ने एक भी नॉलेज दिया, तो उनका जीके बहुत ही स्ट्रांग होता जाएगा और उन लोगों की जीके में बहुत अच्छी खासी पकड़ बनी रहेगी, क्योंकि रोजाना उन लोगों को न्यूज मिलता रहेगा। और उनसे बोलिए कि आप लोगों को आकर के हमारे कोचिंग क्लास में सबसे आगे सुनाना हो। इससे उन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता जाएगा और वो कहीं भी अपनी बातों को बता सकेंगे, सही से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे कहीं भी। और आप भी इसमें कोई रोजाना न्यूज़ देते रहिएगा, जिनके उन लोगों का जीके का नॉलेज हमेशा बना रहे, क्योंकि आजकल सभी कोर्स में, सभी नौकरियों में जीके का बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इसलिए जीके बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर उन लोगों का सेलिब्रेशन कर सकते हैं, किसी का भी बर्थडे हो या फिर कुछ भी हो, छोटा छोटा आप उन लोगों के साथ बर्थडे मनाइए, जिससे उन लोगों का संबंध बना रहेगा और वो हमेशा अपने आप से मिले जुले रहेंगे, खुले रहेंगे। हमेशा अगर आप उन बच्चों से फैमिली की तरह व्यवहार करेंगे, उनसे मिलजुल के रहेंगे, सभी लोग, सभी बच्चे, आप भी, तो उन लोगों का जैसे फैमिली होता है ना, उस तरह से उन लोगों का जैसे घर बन जाता है, जिससे वो लोग अब कभी भी आपके कोचिंग क्लासेस को छोड़ के जाने वाले नहीं है। और तीसरे नंबर पर कर सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई पार्टी हो, फंक्शन हो या फिर कुछ भी हो, तो आप उन लोगों को जरूर बुलाइए। इससे क्या होगा कि उन लोगों के अंदर एक फैमिली वाली फीलिंग आएगी और आप भी उनके साथ हमेशा बने रहेंगे, घुले रहेंगे, मिले रहेंगे, तो आपके हमेशा बच्चे आपके साथ रहेंगे, कहीं भी जाएंगे आपका प्रचार करेंगे। अगर आपकी कोचिंग क्लासेस से चले जाते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो अगर कोई भी पूछता है कोचिंग क्लासेस हमारे क्षेत्र में कौन अच्छा है, तो आपको हमेशा वो बताएंगे। इसलिए बच्चों के साथ आप हमेशा लॉयल्टी बना कर रहिए, फैमिली वाली फीलिंग दीजिए उन लोगों को। वैसे आप भी टीचर हैं और सारी वैल्यू आप दे सकते हैं अपने माध्यम से, अपने दिमाग में लगा सकें और सारी वैल्यू अगर उन लोगों के अंदर ऐड करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा होगा आने वाले टाइम में और उन लोगों को अपना लॉयल कस्टमर बनाने। इसलिए अपने किसी भी शिष्य को, किसी भी स्टूडेंट को आप हमेशा अपना फैमिली की तरह व्यवहार कीजिए और उनसे हमेशा मिलते जुलते रहिएगा। अब आपके कोचिंग क्लासेस में जितने भी बच्चे हैं, उन लोगों को बोल सकते हैं कि आपके जो भी पड़ोसी हो, भाई हो, फ्रेंड्स हो, क्लासमेट्स हो, आप उन लोगों को यहाँ पे दाखिला करवाइए, और यहाँ पे जितने भी बच्चों को लेकर के आएंगे, उतने परसेंट से आपको छूट मिलेगा। सोचिए अगर आपका मित्र, दोस्त, पड़ोसी या फिर आपका फ्रेंड ऐसा बोलता है, तो आप कैसा फीलिंग करते हैं। जो आपके दिल के करीब होता है, उनसे अगर बोल दें कि यहाँ पे एक कोचिंग क्लासेस है जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पे मैं भी पढ़ता हूँ, वहाँ पे तुम भी आओ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे और बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाते हैं, ऐसा अगर आपका दोस्त बोल दे, तो क्या आपका दोस्त नहीं मानेगा? आपका दोस्त जरूर आएगा।
अब वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मान लीजिए एक लड़के को लेकर के आए, तो आप वहाँ पे 10% 20% जो भी आपके माध्यम से होता है, आप वहाँ से छूट दे सकते हैं उन लोगों को। ऐसे क्या होगा कि वो लोग और बच्चों को लेकर के आएंगे और आपके कोचिंग क्लास में बहुत सारे बच्चे एक दिन भर जाएंगे। दूसरा नंबर पर है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया की बहुत डिमांड है, इसलिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर कीजिए। आपके कोचिंग क्लासेस में जो भी बच्चे हैं उन लोगों का अपने कोचिंग क्लासेस का राय लीजिए कि क्या है, कैसे पढ़ाई होती है, कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, इन सारे बारे में आप वीडियो बना करके आप उनके सोशल मीडिया पे जो भी व्हाट्सअप है, फेसबुक है, उन सारे सोशल मीडिया पे आप सभी बच्चों से डलवा दीजिए। और आप अपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से डाल करके यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जाती है तो बहुत सारे लोग देखेंगे और वैल्यू देखने के बाद बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके कोचिंग क्लासेस में आकर ज्वाइन कर जाएं। तीसरा नंबर पे हमारा कि आप किसी भी स्कूल में जाइए, उस स्कूल के टीचर्स से पूछ सकते हैं कि हमारे कोचिंग क्लासेस है, आप हमारी कोचिंग क्लासेस में कुछ बच्चों को दीजिए और हम आपको कमीशन के तौर पर पैसे देंगे। आप वहाँ से चाय भी तो ले सकते हैं, बहुत सारी स्कूलों में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके माध्यम से अगर कोई भी टीचर होगा तो आप उनसे कन्विंस करके किसी भी तरह से आप वहाँ से उन लोगों को बुला सकते हैं, बच्चों को अपनी ज्वाइन करा सकते हैं, वहाँ से आप उस स्कूल से अपने क्लासेस में ला सकते हैं बहुत सारे बच्चों को। अगर इसमें से जो भी आपको आइडिया अच्छी लगी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सी आइडिया आपको सबसे अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले टाइम में नई नई वीडियो मिलती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे वीडियो देखने आते रहिए। नो टेंशन, नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।